नमस्कार आदाब सत मैं हूं आपके साथ फैज़ आबकी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया पूरा देश आज अंधेरे की तरफ जा रहा है वो वजह यह है कि कोले की कमी के कारण बिजली की आपूर्ति कम हो रही है इस साल बारिश भी थोड़ी कम हुई है इसीलिए पानी से जो बिजली बनती है वो बनने में असमर्थ हुई है हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं समाजसेवी इंद्रेश कुमार इनसे पूछेंगे कि इसके क्या मायने निकाले जाएँ और क्या सियासी मायने इसके होंगे और किस तरीके से इसकी आपूर्ति खुल जाए इंदे जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जो आप कह रहे थे कि कोयले घोटाले में बोलना चाहता हूँ तो क्या बोलना चाहते थे आप सबसे पहले टुडे प्रेस इंडिया के सभी दर्शकों को और मेरे चाहने वालों को नमन वंदन अभिनंदन और हम बताना चाहेंगे कि देश में जो आज आने वाले समय में बिजली संकट पैदा होने जा रहा है उसकी पूरी तरह से ज़िम्मेदारी हमारी वर्तमान सरकार की है हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कहता है मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ और उसका एक भी काम देश की एक भी जनता के काम का नहीं है एक भी काम केवल प्रचार करना अपना उनको आता है और कुछ भी नहीं आता 2012 में जो तत्कालीन केंद्र सरकार ने कोल ब्लॉक आवंटन किए थे ये 2014 में आने के बाद इन्होंने सारे के सारे आवंटन रद्द कर दिए 200 से अधिक आवंटन रद्द होने की वजह से कंपनियों ने जो निवेश किया था वो सारे निवेश उनके डूब गए और वो कोल ब्लॉक रद्द हो गए नए टेंडर इन्होंने किया और अब तक सात सालों में सिर्फ उनसठ नए टेंडर हो पाए जिसपे किसी पे भी काम शुरू नहीं है अकेले कोल इंडिया और शाइनोनस दो ही कंपनियां कोयल कोयले का उत्पादन कर रही हैं जो इस साल वर्षा के कम होने वर्षा के पीरियड में अधिकता की वजह जैसे बहुत कम हो पाया जहां कोल इंडिया का उत्पादन इस साल छः मिलियन टन होना था वो अभी 10 दस महीने दसवा महीना चल रहा है इस इस दो का और अभी तक केवल दो मिलियन टन ही कोल का उत्पादन हो पाया यहां तक कि जो हमारी कोयले कोयले की जरूरत हमारी एनटीपीसी या बिजली कंपनियों को होती है वो उस समय की सरकार ने केवल बारह बिजली कंपनियों को कोल ब्लॉक का आवंटन किया था इनके खत्म करने के बाद वो भी नहीं रह गया तो कोल इंडिया अकेले की आपूर्ति से कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है अच्छे जी एक सवाल और तो ये जानकारी आपको मिली कहाँ से ये जो आप बता रहे हैं ये आप कहीं से भी उठा लें आपको एक एक जगह गूगल पे मिल जाएगी हमारे बहुत अच्छे वरिष्ठ पत्रकार जिनको मोदी सरकार की वजह से तमाम चैनलों ने अपने यहाँ से हटा दिया पुण्य पशुवन वाजपेयी जी जिनका एक एक आंकड़ा आज से नहीं जब से वो पत्रकारिता कर रहे हैं तब से एकदम सटीक और पूर्ण विश्लेषण के युक्त साथ होती है आप पुण्य प्रश्न वाजपेयी को सुन लें। ले ये तो, ये तो है खबर हाँ, तो है कि पांच दिन का कोयला बचा है लाइट बंद में मगर जो आप इतनी जानकारी दे रहे हैं वो कहाँ से मिले ये पूरा गूगल पे पड़ा हुआ है और हम राजनीतिक रूप से थोड़ा सक्रिय हुए हैं 2021 में आ, किसान आंदोलन से जिसकी वजह से हम सरकार की प्रत्येक गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं जिसमें महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और आने वाले वक्त में क्योंकि कोरोना एक साजिश या, को, या एक वायरस जो भी है कोरोना काल चल रहा है जिसका एक पॉइंट है इंड ऑफ फ्यूल्स इंड ऑफ फ्यूल्स का डायरेक्ट कर नहीं सकते नहीं। उसके प्रोसेस होंगे सबसे पहला प्रोसेस कोल निकाला है कोल निकाला है इससे जो पूरे विश्व की ग्लोबलाइजेशन मार्केट ओपन होने के बाद इस पर सिग्नेचर करने के बाद हमारी सरकार ने कोयले की आयात की ओर भी ध्यान दिया परंतु आयात हो जाने से कोयला महंगा होगा बिजली महंगी हो जाएगी बिजली महंगी हुई तो एक एक चीज़ का लागत बढ़ जाएगी और लागत बढ़ने से इसका पूरा का पूरा फर्क उपभोक्ताओं पे पड़ेगा और आज देश के हालात ऐसे नहीं है कि उपभोक्ता किसी भी हाल में बर्दाश्त कर पाएंगे महंगाई को अर्थात प्रत्येक कंपनी की सेल धड़ाम हो जाएगी अर्थात भारत का जो मेक इन इंडिया का नारा था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा तो क्या राय देना चाहेंगे किस तरीके से इससे बचा जो संकट आने वाला उससे किस तरीके से बचा जाए जब तक देश में बीजेपी की सरकार है बीजेपी सरकार क्या करे इसमें कोयले तक... की आपूर्ति सरकार सरकार कोई भी सरकार हो कोयले की आपूर्ति गलत नीतियों से प्रभावित हुआ आ, गलत नीतियों से प्रभावित हुआ और बीजेपी की नीतियां महज केवल देश को बर्बाद करना है देश को ये बचाना नहीं चाहती ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगती है ये आ, अभी कश्मीर में केंद्र के हाथ में सत्ता होने के बाद भी वहाँ जो हत्याएं हो रही हैं जो आतंकवाद बढ़ रहा है नहीं रोक पा रही है ये केवल नाम के लिए सत्ता चलाती है एक्चुअली सत्ता चलाने का एक भी अनुभव इनके पास नहीं है इसको आप एक भी मुद्दे पर देख लीजिए अगर ये कहीं पर भी पास हो रहे हो तो हमसे कहिए कि नहीं ये सही कर रहे हैं नोटबंदी फ्लॉप जीएसटी फ्लॉप कोरोना के तहत इन्होंने जो देश का के केंद्र के कर्मचारियों के राज्य के कर्मचारियों के पैसे उनके खातों से काट लिए और कोरोना फंड के नाम पर रख लिया सुप्रीम कोर्ट में उसमें हल्फनामा दे रहे हैं कि वो देश की संपत्ति नहीं अरे देश की संपत्ति नहीं तो देश के नागरिकों की तनख्वाह से क्यों काटे अच्छा एक सवाल और आपसे उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि देश में विकास की गंगा बह रही है तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे अभी लोगों को आईना नहीं पता है इसलिए शायद उनको लग रहा है कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है हकीकत यह है कि जो विकास आपको दिखाई दे रहा है वो विकास जनता से पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स लेने के बाद भी एक लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त तो अतिरिक्त लोन लिया जा चुका है विश्व बैंक से जिसमें देश के जीडीपी का 33 परसेंट हिस्सा अब केवल लोन अदा करने में जाता है जो विकास के हर पायदान पर लोगों को प्रभावित करने के लिए सक्षम है अर्थात केवल ऊपरी दिखावे से विकास नहीं होते विकास होते हैं जब हमारे देश के एक एक नागरिक की प्रति व्यक्ति आय के में वृद्धि हो जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तभी विकास जमीन पर दिखाई देगा मंदिर के बारे में क्या कहेगा जो मंदिर के लोग विकास बोल रहे हैं उन लोगों को उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे मैंने सवाल आपसे पूछा था कि जो लोग आज कह रहे हैं विकास गंगा बहुत उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप मंदिर की मंदिर हिंदू धर्म में आस्था का विषय है ठीक है हम उसका सम्मान करते हैं परंतु मंदिर में केवल दो तरह के लोगों को ही रोजगार उपलब्ध होते हैं पहला हमारे कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग जैसा कि आपने ट्रस्ट में देखा होगा ट्रस्ट में सारे के सारे राम न्यास मंदिर के ट्रस्ट में सारे के सारे ब्राह्मण ही हैं एक भी आ, दे आ, तमिल, रखा तमिल में वो, वो बना दिया है कोटा निकाल दिया गया हम एम के हम एम के स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत और इनके फैदूरदर्शी फैसलों के, के लिए में इनका, रहे, बन रहे, उसमें भी इसी बिल्कुल ऐसे हो तो देश में समानता की दृष्टि आए और समानता की दृष्टि में एक एक ही नारा हो कि हम हिंदू हैं ये हिंदू में जाति पाति और बांट करके और एक विशेष वर्ग को लाभ देने का जो प्रक्रिया है जैसे एक छोटा सा बताऊं ई डब्ल्यू एस ई डब्ल्यू एस गरीबों के लिए है सवर्ण गरीबों के लिए मैं मानता हूँ लेकिन लग उसका उसका दायरा कितना लगाया आठ लाख रुपए क्या प्रति मंथ छाछठ हजार रुपए उसे ऊपर की आमदनी करने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब माना जाएगा कैसी सरकार है ये केवल तुष्टिकरण की के राजनीति कर रहे हैं जिसके आधार पर सत्ता चलाना चाहते हैं परंतु हर मुद्दे पर देश को देश को बेचने के कगार पर कंगाल करने के कगाल पर एक एक व्यक्ति को लगभग इस स्थिति में लाने का कगार पहुंचा दिया कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएं भविष्य में चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंदर जी तो ये थे समाजसेवी इंद्रेश कुमार जो साफ तौर पर कहेंगे बीजेपी अगर जातिवाद की राजनीति करती हो सब के सब हिंदू हैं हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें बहुत बहुत धन्यवाद